कैसे करें डॉट कॉम से मैं हूं गोगी, आपकी यहां पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कैसे करें में आप सभी का स्वागत। आज बात करेंगे आईटीआर के फॉर्म भरने समय या फिर जब आईटीआर रिटर्न करने के लिए जब आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है उसकी जानकारी आपको आई बटन में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने अकाउंट ओपन किया था, पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो पासवर्ड जब वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपना वापस, जो आज इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन दबा कर घंटी दबा लीजिए और विजिट कर जाइए अपने लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर जिस मर्जी में आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, उसके इंटरनेट ब्राउजर में वहाँ पर आपको लिखना है ई फिलिंग इनकम टैक्स। जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हैं ई फिलिंग वाला जो ये ऑप्शन है, ये आपको जो ये वेबसाइट सामने दिखती है, यहाँ पर जो वो आपको क्लिक करना होगा लॉगिन पर। यहाँ पर जब आप इसी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उस वेबसाइट पर जैसे यहाँ जाएंगे आप, जब वो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से जब वो ये आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखे आप इसको काट दीजिए, यहाँ पर जब वो लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। रजिस्टर नहीं किया तो एक बार फिर से बता दें, आई बटन में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि आप जो पासवर्ड भूल गए हैं अपना तो क्या करें। यहाँ पर जो फॉरगॉट पासवर्ड पर जो आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको अपनी आईडी जो वो यहाँ पर डालनी होती है। जो आईडी आपकी जो होती है वो होता है आपका पैन कार्ड। तो आप जो यहाँ पर अपनी आईडी जो वो डाल दीजिए और उसके बाद जो वो आपको यहाँ पर ये जो कोड दिखाई दे रहा है ये वाला जो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो आप जो यहाँ पर एंटर कर दीजिए और उसके बाद जो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है या फिर आप जो यहाँ से ओटीपी भी जो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप कर दीजिए क्लिक कंटिन्यू पर। तो जैसे आप क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने जो कुछ इस तरह के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर जो वो एक सेलेक्ट ऑप्शन करने का मिलता है। यहाँ पर जो आपको सीक्रेट क्वेश्चन, आपने कोई जो वो आंसर दिया होगा किसी क्वेश्चन का, अगर वो जानते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। अदरवाइज सबसे आसान रहता है यहाँ पर यूजिंग ओटीपी, तो आप जब वो ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए कंटिन्यू पर। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो वो दिखाया जाता है कि आप जो वो अपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के जरिए जो वो पासवर्ड पाना चाहते हैं, तो आप जो इस पर क्लिक कर दीजिए और उसको दिखाया जाता है कि आपकी कुछ इस तरह की मोबाइल आईडी जो है वो आपके होगी और इस तरह का मोबाइल नंबर होगा, तो आप जो इनके ऊपर संपर्क कर लीजिए और अभी जो वो वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको जो आपके फ़ोन पर और आपके जो ईमेल एड्रेस है उस पर जो एक ओटीपी भेजा जाता है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मोबाइल वाला भी और ईमेल वाला भी आपको दोनों एंटर करना कंपलसरी है। तो मेरे पास में जो मेरे ओटीपी आ चुके हैं, तो मैं जो यहाँ पर इनको क्लिक करके जो वो एंटर कर देता हूँ। 1 सेकेंड, तो मैं जो वो ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओके, ओटीपी मैंने एंटर कर दिया है। ईमेल एड्रेस वाला भी ओटीपी जो वो आपको एंटर करना होगा, तो मैं वो भी जो वो एंटर कर देता हूँ। तो आपको जो वो ईमेल एड्रेस वाला मिलेगा आपकी ईमेल एड्रेस पर। उसको जो वो आपको एंटर कर देना है और उसके बाद क्लिक कर देना है वैलिडेट पर। तो जैसे आप क्लिक करते हैं वैलिडेट पर, आपके सामने जो वो नया पासवर्ड भरने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जो यहाँ पर नया पासवर्ड अपना जो वो जो भी एंटर करना चाहते हैं वो जो आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो वो मैं अपना नया पासवर्ड जो वो एंटर कर देता हूँ और नीचे जो आपको दोबारा से एंटर करने के लिए कहा जाता है, और यहाँ पर जब वो एंटर करने के बाद आप जब वो सेम जो वो होने चाहिए और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपका पासवर्ड जो वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और उसके बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे अपने इस पासवर्ड के जरिए जो आपने अभी एंटर किया था, तो आप जो वो फटाफट आसानी से जब वो लॉगिन कर पाओगे अपने इनकम टैक्स के इस फॉर्म के अंदर। अगर आपको ये वाली जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कॉमेंट में बताइए जानकारी कैसी लगी और आप क्या नया जानना चाहते हैं, क्या आपको दिक्कत रही। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर बटन मिलेगा वीडियो के नीचे, शेयर बटन पे क्लिक करके फेसबुक व्हाट्सएप आदि का चुनाव करके अपने दोस्तों को बता दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे। बने रहे हमारे साथ, इसी तरह सीखते रहिए कैसे करें।